नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको बताते चलें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में अब 16 ट्रेनों में सफर और भी ज्यादा आरामदायक हो गया है। रेलवे ने इन ट्रेनों के पुराने कोच को हटाकर LHB कोच लगा दिए हैं। नई तकनीक के इस कोच में ज्यादा जगह होती है, सीटों की चौड़ाई भी अधिक होती है, इसी वजह से इन ट्रेनों में सफर करना आरामदायक हो गया है। आगामी दिनों में सभी ट्रेन इन्हीं कोचों के साथ चलाने का रेलवे का प्लान है। आपको बताते चले कि पुराने कोच को ICF कहते हैं, जो कि नीले रंग के होते हैं, लेकिन अब इन्हें हटाकर नई तकनीक वाले LHB कोच, जिनको लिंक हाफमैन बुश कोच कहा जाता है, जो कि लाल कलर के होते हैं, इनको लगाया जा रहा है सभी ट्रेनों में। वर्तमान में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली 16 ट्रेनों को नई तकनीक वाले LHB कोच के साथ चलाया जा रहा है। इस कोच में बर्थ की संख्या भी बढ़ गई है। पुराने कोच के स्लीपर श्रेणी में 72 सीटें होती थी, जबकि LHB में 80 सीटों की व्यवस्था है। इसी तरह प्रत्येक कोच में 8 सीट बढ़ गई है। ये स्थिति AC2 व AC3 की भी है। LHB कोच यात्री के लिए काफी आरामदायक के साथ रेल परिचालन की दृष्टि से पहले से ज्यादा सुरक्षित है। बेपटरी या दुर्घटनाग्रस्त होने से कोच अलग थलग नहीं होते हैं और पलटने का भी खतरा नहीं रहता है। इनमें उच्च गति क्षमता होती है, वजन में हल्के होते हैं। इन कोचों की एंटी क्लाइंबिंग विशेषताएं दुर्घटनाओं के दौरान एक दूसरे के ऊपर चढ़ने से रोकती हैं, इससे यात्रियों का नुकसान कम होने की संभावना भी रहती है। आपको बताते चलें कि LHB कोच का नाम इसका सर्वप्रथम निर्माण करने वाली जर्मन की कंपनी लिंक हाफमैन बुश के नाम पर पड़ा है। LHB कोच भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम वर्ष 1999 में शामिल किए गए थे। वर्तमान में इसका निर्माण कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री में किया जा रहा है। वहां कोचों का निर्माण बढ़ा दिया गया है ताकि सभी जोन को उनकी आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराया जा सके। आपको बताते चले कि समान कोच की अधिकतम गति 110 किलोमीटर होती है। इसकी तुलना में LHB कोच अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। अधिकतम गति के लिए ये कोच सही होते हैं। LHB कोच में हाइड्रोलिक सस्पेंशन का प्रयोग किया जाता है। वहीं दाएं बाएं मूवमेंट के लिए भी सस्पेंशन का प्रयोग किया गया है, जिसमें सफर आरामदायक हो जाता है। चलिए आपको बताते चलें कि इन किन ट्रेनों में फिलहाल अभी LHB कोच की सुविधा दे दी गई है। इनमें दुर्ग भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस ट्रेन, दुर्ग निजामुद्दीन संपर्क क्रांति, दुर्ग जम्मू तवी एक्सप्रेस, बिलासपुर अमृतसर छत्तीसगढ़, गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस, बिलासपुर पुणे ट्रेन, बिलासपुर चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन। रेलवे का कहना है कि पुराने कोच हटाकर ट्रेनों को LHB कोच से चलाने की योजना है। धीरे धीरे ट्रेनों में ये बदलाव हो रहा है। इस कोच में खासियत है कि इसमें सफर आरामदायक होता है और बर्थ की संख्या भी अधिक रहती है। तो फिलहाल जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।